इस एग्ज़ाम का आपको क्या बेनिफिट अब मिलने वाला है? आपका एग्ज़ाम तो क्लियर हो गया यार, पैसा सैलरी इसमें किस तरीके से ग्रोथ होगी, क्या इतना इसका एडवांटेज मिलेगा आपको वहाँ पे? तो सैलरी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने स्किल गेन करी है वो बहुत ज़्यादा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है जी आपका एक शानदार कमाल एपिसोड में और एक बढ़िया व्यू के साथ। मैंने कहा ये मोमेंट तो बनता है कैप्चर करना, और आज मेरे साथ हैं अनुज शर्मा जो कि एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं एसेंचर में। इनका काम क्या है इनसे जानेंगे, बट जो मेन रहने वाला है वो है OSCP, जो इन्होंने अभी जस्ट क्लियर किया है। एक हफ्ता हो गया अनुज? हाँ, एक हफ्ता हो चुका है। और क्या इनका एक्सपीरियंस रहा, इस एग्ज़ाम का पर्पस क्या है, कितने का एग्ज़ाम होता है, क्या इनको बेनिफिट मिलने वाले इस एग्ज़ाम से, वो हम बात करेंगे इनसे। तो सबसे पहले अनुज कॉन्ग्रेचुलेशन यार। थैंक यू। आपने जो एग्ज़ाम क्लियर किया है, काफ़ी लोगों का ड्रीम रहता है, आपके पीछे की मेहनत, वो सारी बातें आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए, अभी जैसे मैंने बताया कि ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं एसेंचर में, तो आपका बेसिकली अभी काम क्या है? बेसिकली मेरा काम है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में। तो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी हम क्या करते हैं कि वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, और इश्यूज़ इट कुड बी कॉल्ड एज फ्लॉज बेसिकली, और उन फ्लॉज को फाइंड करते हैं हम, उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, सिवेरिटी देते हैं, और फिर हम उसको फिक्स कराते हैं आप जैसे डेवलपर्स से ही। तो ये जी हमारा इन शॉर्ट में ये काम है अभी एक्सेंचर में जो मैं कर रहा हूँ। मैं सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली मेरी यही है। तो OSCP पे जाता हूँ, बट इससे पहले उन्होंने एक और सर्टिफिकेशन कर रखा है। तो जो फर्स्ट सर्टिफिकेशन जो मैंने क्लियर करा था और इंडिया में बहुत पॉपुलर है, विच इज़ सर्टिफाइड एथिकल हैकर एग्ज़ाम, जो कि EC काउंसिल से एक एक्रेडिटेड है और EC काउंसिल कराता है उसको, तो वो भी एक फंडामेंटल सर्टिफिकेशन था। क्योंकि देखो जैसे जैसे हम मूव करते हैं लाइफ में, हमें वैसे वैसे ही एग्ज़ाम भी हमें सर्टिफिकेशन करने होते हैं, तो वो एक इनिशियल सर्टिफिकेशन था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मैंने एडवांस करा अपने करियर में, तो फिर मैंने OSCP के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा था। एक्चुअली उस जो एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं सर्टिफाइड एथिकल हैकर, वो इनके चैनल पे गिवन है, मैंने लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वो पूरा एक्सपीरियंस उन्होंने बता रखा है, कैसे किया, क्या किया, एवरीथिंग। बट अनुज बात करते हैं, जो मेन क्रंच है आज के सेशन का हमारा, OSCP क्या है? OSCP तो OSCP की जो फुल फॉर्म है वो होती है ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। बहुत बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम है, और इंडिया में स्पेशली अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, वैसे ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर एग्ज़ाम है। ये कराता है काली लिनक्स, जिन्होंने बनाई है, जो कि है ऑफेंसिव सिक्योरिटी। तो काली लिनक्स आपने नाम सुना होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको एथिकल हैकर्स एज वेल एज ब्लैक हैट हैकर्स, जो कि मेलिशियस इंटेंट के साथ जो लोग होते हैं, वो दोनों ही यूज़ करते हैं इसको। तो बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम है, और मेरा एक तरीके से ड्रीम था, मैंने काफ़ी इसमें एफर्ट दिया है अपना, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस भी करी हैं। तो एक साल करीब मैंने इसको प्रिपेयर करा है, और फाइनली वो ड्रीम अचीव हुआ, तो बहुत खुशी है, और इसी मोमेंट को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अनुज, जैसा आपने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल यार आपने मेहनत करी, आपका हार्ड वर्क, फाइनली आपको ये मिल गया। यार मेहनत करोगे तो कोई चीज़ आपकी पीछे नहीं हटेगी, समय लगेगा, अच्छा खासा लगेगा, बट चीज़ें अचीव हो जाती हैं। कौन ये एग्ज़ाम कर सकते हैं अनुज? इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो इस एग्ज़ाम में ना सबसे खास बात यह है कि इसको कोई भी दे सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ये एग्ज़ाम क्लियर करो या फिर करो, या फिर कोई एज हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्ज़ाम ही इतना इन्होंने टफ़ और प्रैक्टिकल बनाया है कि इसको कोई भी दे सकता है, कोई भी, कोई एज बार नहीं है, कोई एज गैप नहीं है। लेकिन इसका जो एक वो है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, तो इसीलिए वो प्रीरिक्विजिट ऐसे कुछ मेंशन नहीं करते, बट उसको क्लियर करने के लिए अगर आप एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग में काम कर रहे हो, तो वो आपको हेल्प करता है थोड़ा सा, जो कि मैं भी एक एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर पहले से ही काम कर रहा था, इसीलिए मुझे थोड़ी सी एडवांटेज है ओवर अदर्स जो कि इस फील्ड में नहीं है। बहुत अच्छा। तो गाइज़, अगर आप यहाँ तक आ गए हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और शेयर भी करना, और कमेंट करना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो अनुज, मेरा एक सवाल बहुत ही क्लियर है कि जैसे आपने कहा, इसे कोई भी दे सकता है, बट आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिला, आपने जिस करंट कंपनी में पहले आप थे वहाँ पर आपने काफ़ी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करी, एप्लीकेशंस के अंदर लूपहोल आइडेंटिफाई करे, और फिर आप अभी एसेंचर में हैं, वो सारा एक्सपीरियंस तो आपको कहीं ना कहीं काम आया है थ्रू आउट लर्निंग। बिल्कुल, देखो एक्सपीरियंस तो देखो काम आता ही है, अब क्योंकि मैं इसी फील्ड में काम कर रहा था, तो मेरे लिए थोड़ा सा एडवांटेज था, बट वैन ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ना, इसमें हम मशीन है हैक करनी होती है। मैं अगर आपको इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा बताऊँ,
तो इसमें कितने घंटे का जो एग्जाम होता है, ये 24 आवर्स का एग्जाम होता है और प्रॉक्टर्ड होता है. तो 24 आवर्स मतलब आपको टाइम दे दिया जाता है, वीपीएन प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपको 5 टारगेट्स होते हैं, उनको हैक करना होता है. मैंने ऐसे 5 टारगेट्स, दोज आर 5 मशीन्स जिनका आपको आईपी एड्रेस दे दिया जाता है और उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता. मतलब ओनली 5 एड्रेसेस आर गिवन टू यू एंड इन अ टाइम स्पैन ऑफ 24 आवर्स यू नीड टू एक्सप्लॉइट देम. मतलब पूरा सॉल्व करना है उसको फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड. और क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं पता होता तो हो सकता है देखो वेब एप्लीकेशन की मशीन आ जाए जिसमें वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटी हो, तो मुझे फायदा हो जाएगा क्योंकि आई वर्क एज अ वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, राइट, इन द फील्ड ऑफ वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी. बट अगर लिनक्स बेस्ड मशीन आ गई तो जी वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. तो ये सिर्फ और सिर्फ देखो लग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, डिपेंड करता है क्योंकि बोलते उन्होंने तैयारी काफी की है. बट अनुज जैसा आपने कहा कि 5 मशीन कोई भी आ गई, क्या चैलेंजेस थे यार? मतलब नर्वस थे आप उस टाइम पे? नर्वस हो गए यार. अब कितने एग्जाम वैसे अनुज, इसका प्राइस कितना है एग्जाम का? इसका एग्जाम आपका प्राइस वेरी करता है क्योंकि जो अगर आप वाउचर खरीदोगे, ठीक है, जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी की वेबसाइट है, मैं आप लिंक डाल देना उसका, आप प्लीज़ जो भी यूजफुल लिंक हो आप दे देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो उसका जो इनका जो एक प्रोसेस होता है, ये सबसे पहले आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. ऐसा ही नहीं है कि आप खाली एग्जाम दो. तो कुछ वीडियोज़ होते हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ होते हैं जो कि बिगनर फ्रेंडली होते हैं और पेनिट्रेशन टेस्टिंग का पूरा बताते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का शुरुआत से. एग्जाम से पहले कि आपने कोई मशीन वगैरह हैक करी थी? हाँ जी हाँ जी. ओके. तो इस क्योंकि एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम था और जैसे मैंने बताया एक साल से मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो सबसे पहले मैंने पैसिव लर्निंग स्टार्ट करी थी. मैंने ऐसे पैसिव लर्निंग, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि मुझे पता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम है और इसमें हमें मशीन्स हैक करनी है. तो कुछ इसमें रिसोर्सेज हैं, जैसे वल्नरेबल हब है, हैक द बॉक्स है, ट्राई हैक मी अब बहुत ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली है तो ट्राई हैक मी की मशीन्स भी हैं. तो ये सब मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ये चीज़ें करूँगा तो मेरे लिए जर्नी काफ़ी थोड़ा आसान रहेगा. तो शुरुआत मैंने उससे करी थी, धीरे धीरे वीडियोस भी डाले थे मैंने उस पर वल्नरेबल हब, हैक द बॉक्स के. फिर उसके बाद जब हम बाय करते हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी से वाउचर को, तो वो एक महीना, दो महीना और तीन महीना, ये इन्होंने स्लैब बनाए हुए हैं और अब तो एक ईयर के लिए भी होता है. तो उसमें क्या होता है कि आपको मटेरियल मिलता है फ्रॉम ऑफेंसिव सिक्योरिटी और लैब्स मिलती हैं, अराउंड 75 लैब्स मिलती हैं आपको जो कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी देता है. तो उसमें आप जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना बेटर. पूरी कंप्लीट लैब्स करी थी? नहीं, मैंने 45 के अराउंड मशीन्स कंप्लीट कर ली थी जो कि ऑफिशियल लैब्स है. और ये मैंने इसीलिए ऐसा नंबर बनाया था, जो मेरा गोल था वो था 50 का, कि मैं 50 मशीन्स कर लूँगा इन अ टाइम स्पैन ऑफ 3 मंथ्स. मैंने 3 मंथ्स वाला बाय करा था. तो फिर मैंने सोचा था कि मैं एटलीस्ट 50 तक अचीव कर लूँ, लेकिन जब मैंने 45 तक पहुँच गया इन अ टाइम स्पैन ऑफ 1.5 मंथ, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार अब मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की मशीन ट्राई करता हूँ. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुछ चैलेंजेस भी थे? चैलेंजेस बहुत सारे रहे हैं एंड इसीलिए खुशी ज़्यादा होती है. चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला चैलेंज होता है मैनेज करना टाइम को, क्योंकि आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल और मैं कंपनी को अपना टाइम देना, मैं एक्सेंचर में काम कर रहा हूँ अभी करंटली, तो टाइम देना अपनी इसके लिए भी, स्किल के लिए भी बहुत ज़्यादा टफ रहता है क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे पास टाइम तो बराबर ही है, बट प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है चीज़ों को, कैसे मैं उतना एक टाइम अलॉट करूँगा ऑन डेली बेसिस. कई बहुत सारी ऐसी रातें मैंने निकाली हैं जिसमें मैंने अराउंड 2 to 3 आवर्स स्लीप लिया है, क्योंकि मैं मशीन में अगर उसमें फंस गया किसी मशीन में और मुझे एक्सप्लॉइट करना है तो फिर मुझे तब तक नींद नहीं आती. मैं हूँ ही ऐसा, जब तक मैं उसको कर नहीं लूँगा अचीव. तो ऐसा भी हुआ है कई बार मैं पूरी रात मशीन हैक कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने करी है तो फिर मैं दिन में सोया भी हूँ. तो चैलेंजेस बहुत सारे थे, एग्ज़ाम के साथ साथ चैलेंजेस बहुत सारे थे, राइट. एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्योंकि 24 आवर एग्ज़ाम है तो इसमें इंटरनेट आउटेजेस हो सकती हैं. बिल्कुल, है ना. तो उसके लिए मैंने 2 इंटरनेट प्रोवाइडर से बात करी थी और 2 कनेक्शन लगाए हुए थे. ये मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा जो भी OSCP कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट आउटेजेस बहुत होती हैं, राइट. फिर उसके बाद जो मशीन है, जो मेरा लैपटॉप है, वो एंड तक आते आते, क्योंकि 18 आवर्स मेरा जो एग्ज़ाम जो मैंने कंप्लीट करी थी, मैंने 4 मशीन सॉल्व करी थी और वो मैंने 20 आवर्स में करी है, जबकि हो जाती जल्दी, बट मैंने थोड़ा सा मिस्टेक्स करी थी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा. बट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये था कि 20 आवर्स तक मेरा हुआ है, लेकिन जब 18 आवर्स कंप्लीट हो गए थे और मैं लास्ट मशीन सॉल्व करने वाला था, तो मैंने इतने ज़्यादा टैब्स ओपन करे थे, क्रोम के टैब्स, और प्रॉक्टर्ड था तो वेबकैम भी ऑन रहता है ना, और VM में यूज़ कर रहा था, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें उसमें ओपन थी कि उसका जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, CPU यूटिलाइजेशन, वो 98% तक हो गया था और मेरी VM स्टक हो गई थी. मतलब इट वॉज स्टक फॉर अराउंड 5 मिनट्स, देन आई हैड टू रीस्टार्ट इट.
तो ऐसे चैलेंजेस मैंने फेस करे हैं मशीन को लेके, एंड फिर यू नो कि जब आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत करी है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में आने लग जाती हैं कि यार टाइम इज़ रनिंग आउट, नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन यही एक एग्ज़ाम का जो चैलेंज है, एक ट्राई हार्डर मेंटेलिटी है जो कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी कहती है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। देन आई थॉट यार मैंने अपना बेस्ट देना है बस, चाहे मशीन में हैक करूं या नहीं करूं, लर्निंग मुझे पूरी करनी है, एग्ज़ाम को पूरे अच्छे तरीके से करना है। तो मैं काम रहा था और अपने आप को शांत करा मैंने उस हिसाब से, एंड देन उसके बाद जाके जब वो लास्ट मैंने मशीन सॉल्व करी थी, विच वॉज रियली वेरी ट्रिकी, मैं आपको मशीन के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है, बट जो एक एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा ट्रिकी मशीन मैंने लाइफ में कभी नहीं करी थी। तो वो जो एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि जब मैंने वो जो 70 पॉइंट्स ये होते हैं आउट ऑफ 100, तो जब मैंने 80 पॉइंट्स कर लिए थे कंप्लीट, देन आई थॉट कि यार वाह क्या था ये, मतलब आई कुडंट बिलीव फॉर अ डे उसको कंप्लीट करने के बाद भी, क्योंकि रिपोर्टिंग करनी होती है नेक्स्ट डे, एंड रिपोर्टिंग के लिए भी आपको 24 आवर्स चाहिए होते हैं। तो कोई मैं खुश नहीं था उस टाइम पे क्योंकि कुछ पता ही नहीं था, आई वाज लाइक फीलिंगलेस, नम था मैं बिल्कुल एकदम। तो लेकिन हाँ, अब आई एम रियली हैप्पी दैट आई डिड इट। बहुत बड़ी बात है यार, आपका ये डेडिकेशन और आपका हार्डवर्क है उसकी वजह से आप ये अचीव कर पाए, और मेन चीज़ माइंडसेट। बिल्कुल, आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव था उस एग्ज़ाम को लेके, आपने निकाल दिया, ठीक है थॉट्स आए, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, बट उन चीज़ों को मैनेज करना और फिर उस चीज़ को अचीव करना, वो जो सक्सेस का टेस्ट है, आई थिंक वो बेटर आप फील कर पा रहे होगे। एक कोस्ट को लेके फिर मैं आना चाहता हूँ उस पॉइंट पे, तो क्या कोस्ट कितनी अप्रॉक्स पड़ जाता है एग्ज़ाम अगर कोई भी देना चाहे तो? एग्ज़ाम काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो समवेयर अराउंड 1 लाख से लेके 1.5 तक पड़ जाती है, बट वो कॉस्ट आप देख सकते हो क्योंकि USD में दी होती है तो उसको चेंज करना पड़ता है। अगर आप 1 मंथ के साथ जाते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि 1 मंथ में आपका 75 लैब्स मिलती हैं, इतना टाइम नहीं होता अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं। बट अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हैं और आपको एक्सपीरियंस है, लाइक प्रायर एक्सपीरियंस है आपको, थोड़ा बहुत लैब्स आप करते रहते हो, तो यू कैन गो फॉर 2 मंथ्स, लेकिन 3 मंथ्स है उतना तो होता ही है। तो 3 मंथ्स की जो प्राइस है वो $1,399 है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन रुपीज़ में, विच इज़ समवेयर अराउंड 1 लाख। तो अनिल अर्शद, आप बहुत लकी रहे, आप एक्सेंचरी पे कर देगा ये अमाउंट। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि एक्सेंचर जैसे जो बड़ी कंपनीज हैं वो ये करती है कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करने के लिए वो ये करती है कि वो सबसे पहले, मैंने उन्हें कहा था, मतलब आई शोड इंटरेस्ट टुवर्ड दिस एग्ज़ाम कि ये एग्ज़ाम है और मेरी फील्ड के लिए है, तो सॉरी एक्सेंचर ने उस चीज़ को समझा कि यार दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम, अगर ये क्लियर करता है हमारे ही एम्प्लॉय है तो हमें भी बेनिफिट होगा। तो उन्होंने ऐसा डिसाइड करा और अप्रूवल्स मिले मुझे, काफ़ी सारे लोगों से अप्रूवल मिले क्योंकि काम में अच्छा कर रहा था। तो उसके बाद जब अप्रूवल मिला तो उन्होंने पूरा कॉस्ट बेयर करा, तो अगर मैं फेल होता तो भी उन्हीं की कॉस्ट जाती और पास होता तो भी उन्हीं की कॉस्ट जाती, बट इट डजंट मैटर अबाउट कॉस्ट मच, क्योंकि जो इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम की वो इतनी ज़्यादा है कि मैंने उसी के अराउंड अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन कर लिया था। जैसे अजय है, ही इज़ माई फ्रेंड, राहुल है हु इज़ होल्डिंग द कैमरा, ये मुझे कहते थे कि यार कहीं चलते हैं, ट्रिप्स बनाते हैं, बट आई हैड टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो फाइनली इनका क्लियर हुआ और हमारा एक ट्रिप बन पाया और बट ठीक है यार, बहुत अच्छा अनुज आपका एक्सपीरियंस जानने को मिला। तो अनुज, जो भी सिलेबस रहता है वो आपको वहीं से मिला सारा, क्या क्या पढ़ना होता है एवरीथिंग, और कितना उस सिलेबस में आपका एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस काम आया? ठीक है, तो सिलेबस इन्होंने एक थोड़ा सा पैरामीटर्स दिए होते हैं कि जैसे एन्यूमरेशन दिया होता है, इन्होंने दिया होता है कि हम लिनक्स बेस्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, विंडोज़ बेस्ड कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रिविलेज एस्केलेशन, बट क्योंकि ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है तो इसकी USP ही ये है कि ये सरप्राइज बहुत करता है, ये एग्ज़ाम आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज करता है। तो इट इज़ नॉट लाइक यूजुअल एग्ज़ाम जो होते हैं कि एक सिलेबस ओरिएंटेड होगा, नहीं, ये आपको प्रैक्टिस कराएंगे और ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल होगा। एट द एंड ऑफ द डे उस एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में जो आपको 5 मशीन्स मिलती हैं वो कैसी हैं किसी को नहीं पता होता, किसी को भी नहीं। एंड सबसे एग्ज़ाम की अगेन मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि आप चीटिंग नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉक्टर्ड है और सिलेबस कुछ नहीं पता, उस रूम में कोई नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होगा अदर देन योर लैपटॉप और जो डेस्कटॉप होगा, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा खास है, आपको हार्ड वर्क करना है, आपको मेहनत करनी है। तो ये एक मैं तो ये कहूँगा यार, एक बार इसको सर्च जरूर करना गूगल पे USCP एग्ज़ाम के बारे में। बाकी अगर यहाँ तक आ गए हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या सोच रहे हो यार, लाइक ठोको और शेयर जरूर करना। ओके, सो द पॉइंट इज़,
काफ़ी अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा अनुज, मैं जितना समझ पाया हूँ आपसे. एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट टू एड, कुछ आप ऐड करना चाहते हो हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हो? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये एक बार अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टर हो तो आप OSCP को ज़रूर एक बार आप देख सकते हो, क्योंकि ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहता है, पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है, एंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर एग्ज़ाम है और अब HRs भी देखते हैं, तो ज़रूर देखो. हाँ, थोड़ा सा टफ ज़रूर है, बट यार चीज़ें हो सकती हैं, अगर मैं कर सकता हूँ तो कहीं ना कहीं आप भी कर सकते हो. बिल्कुल. सो बिफोर आई वाइंड अप दिस सेशन, आई वुड लाइक टू नो इस एग्ज़ाम का आपको क्या बेनिफिट अब मिलने वाला है. आप एग्ज़ाम तो क्लियर हो गए यार, पैसा, सैलरी, इसमें किस तरीके से ग्रोथ होगी, क्या इतना इसका एडवांटेज मिलेगा आपको वहाँ पे? तो सैलरी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने स्किल गेन करी है वो बहुत ज़्यादा है. एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर जब मैं पहले था और जो आज हूँ उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, मेरे थॉट प्रोसेस में फ़र्क है. एंड येस ऑफकोर्स यार, हम सैलरी के लिए काम करते हैं तो जो HR से वो प्रेफर करते हैं, और जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसको देखेगा कि जो एक्सेंचर जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी देखेगा कि यार इस बंदे ने क्लियर करा है, तो अब इसको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो सोच रहे हैं इस बारे में. मैं बहुत सिंपल में बताऊँ तो अब साइबर सिक्योरिटी भी फील्ड में ये हैं, सिक्योरिटी के इर्द गिर्द रहते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी सर्टिफिकेट या रिज्यूमे में डालेंगे, चांसेस ज़्यादा होंगे एटलीस्ट के, राइट? जितनी बड़ी MNCs हैं उन्हें टारगेट कर सकते हैं. सो भाई, विश यू ऑल द बेस्ट अनुज, बहुत अच्छा. हमेशा की तरह आपसे हमें जब भी बात होती है कुछ ना कुछ मैं सीखता रहता हूँ, और मैं चाहता था कि ये सर्टिफिकेशन के बारे में आप बताएं हमारे चैनल पे. थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला. एंड गाइस, थैंक यू सो मच, जितना अगर आप यहाँ तक आ गए, इतना सुन लिया आपने, जरूर इस एग्ज़ाम को सर्च करना आप, और कुछ और क्वेश्चन हो तो आप अनुज के चैनल पर जा सकते हैं, एथिकल शर्मा जी यूट्यूब चैनल है इनका, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और लाइक करना, शेयर करना, एंड थैंक यू सो मच अनुज. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. थैंक यू. ओके, बाय.